वैश्विक बाजारों में आई मजबूती से सीबोट सोयाबीन बढ़त के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। इसके चलते अर्जेंटीना बेसिस और एफओबी कीमतें भी ऊंचे स्तरों पर कारोबार करती दिखाई दी और इसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला और सोया मील सोया तेल के दाम में कुछ सुधार आया। वहीं ब्राजील की सोयाबीन बोवनी अब तक 80% तक पहुंच गई है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये 86% कम है। मलेशिया से पाम तेल का निर्यात बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कम उत्पादन की वजह से केएलसी की कीमतों को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दरअसल देश भर में सोयाबीन की आवक 7,50,000 बोरी की रही है, जिसमें से मध्य प्रदेश में आवक 3,50,000 बोरी दर्ज की गई। वहीं कृषि मंडियों में इस बार सोयाबीन की बंपर आवक देखने को मिल रही है। झालरापाटन और भवानी मंडी मध्य प्रदेश की पिछले साल के मुकाबले इस साल 1,20,601 क्विंटल सोयाबीन की अधिक आवक बता रहे हैं। इसमें से इस बार दोनों ही मंडियों में 93 लाख रुपए की अधिक आय हुई है। बड़े पैमाने पर यहां की भवानी मंडी और झालरापाटन की मंडियों में मध्य प्रदेश से सोयाबीन की आवक देखने को मिलती है। इस बार जिले में 2,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की गई थी, जिसमें से 2,76,000 मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ। सोयाबीन की फसल के लिए मौसम की अनुकूलता के चलते बेहतर उत्पादन हुआ है। इसी का नतीजा रहा कि पिछले साल से 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र रकबा कम होने के बाद भी सोयाबीन का उत्पादन बेहतर रहा। इसी का नतीजा है कि मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार बढ़ रही है। मंडियों में सोयाबीन की अधिक आवक को देखते हुए वहां पर कई तरह के जाम भी लगते बाजारों में दिखाई दिए हैं। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर महीने में झालरापाटन और भवानी मंडी की कृषि उपज मंडियों में 2,66,698 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई थी, जबकि इस बार अक्टूबर और नवंबर में अभी तक 3,87,290 क्विंटल सोयाबीन मंडियों में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।